बेकार प्लास्टिक जैसे संख्या 2, 4, 5, 6 या उच्च घनत्व का पॉलीएथिलीन, कम घनत्व का पॉलीथाइलीन, पॉलीप्रोपाइलीन या पॉलीस्टायरीन को खाली रिएक्टर सिलेंडर में सम्मिलित करें। सिलेंडर को जमीन पर रोल करके कंडेंसेशन पाइप को सिलेंडर से जोड़ें। लकड़ी या किसी अन्य जलने वाली बेकार वस्तु का उपयोग करके यूकैट्स प्रोसेसर में आग लगाएं। कंडेंसेशन पाइप के साथ जुड़े हुए प्लास्टिक से भरे सिलेंडर को यूकैट्स प्रोसेसर में स्थापित करें। सिलेंडर को प्रोसेसर में स्थापित करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि सिलेंडर के निचले हिस्से को आग छूनी चाहिए। प्रोसेसर के अंदर स्थापित किए हुए सिलेंडर को सुरक्षित करने के लिए प्रोसेसर के ऊपर कंडेंसेशन पाइपिंग के माध्यम से यूकैट्स प्रोसेसर का ढक्कन डालें। ढक्कन पर उसकी रिंग डालें और ये सुनिश्चित करें कि प्रोसेसर का सिर और ढक्कन दोनों संपर्क में हों। इसके साथ प्रोसेसर की परिधि पर रिंग होनी चाहिए ताकि रिंग की मदद से ढक्कन को प्रोसेसर पे अच्छी तरह फिक्स कर सकें। बोल्ट और 1516 के रेंच की मदद से रिंग को बंद करें। कंडेंसेशन पाइप के बाहरी मुंह के नीचे एक पानी की बाल्टी रखें और ये सुनिश्चित करें कि पाइप पानी में डूब जाए। ईंधन तेल उत्पाद बुलबुलों की तरह पानी के अंदर से ऊपर उठता है और इस ईंधन तेल को प्रक्रिया के अंत में एकत्र किया जा सकता है।